इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आई टी मांगड़ में विजिल इंस्ट्रक्टर में आज आपको बात भी हेमर और हेमरों के बारे में बताऊंगा, जो अपने वर्कशॉप के अंदर इंजीनियर हेमर जो आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये जो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बाल पिन हेमर, क्योंकि इसकी जो पिन होती है वो बाल के आकार की होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बाल पिन हेमर। जो कोई भी हेमर होगा इसके तीन भाग होंगे, ये तो मेन क्या होता है ये फेस होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है ये कौन सा हो गया फेस, तो ये इसका क्या हो गया फेस। ये जो बीच का भाग होता है इसको बोलते हैं चिक भाग, इसको बोलते हैं चिक भाग। और ऊपर जो पिन का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं पिन। ये पिन के अनुसार आपके हेमर तीन बार के आते हैं, पिन के अनुसार हेमर आपके तीन बार के आते हैं। जैसे आपके ये बॉल पिन हेमर हो गया, ये आपके स्ट्रेट पिन हेमर हो गया, ये क्रॉस पिन हेमर हो गया। क्रॉस पिन हेमर अपने इसलिए बोले क्योंकि जो इसके अंदर हैंडल डलेगा वो हैंडल के अगर पिन क्रॉस में होती है तो इसको क्या बोलेंगे क्रॉस पिन हेमर। हैंडल के अगर ये जो पिन स्ट्रेट में है, यहाँ हैंडल डलेगा आपके आई होल है, ये आई होल के अंदर हैंडल डलेगा तो इसको अपने बोलेंगे स्ट्रेट पिन हेमर। और जिसमें बॉल बनी होगी तो उसको अपने क्या बोलेंगे बॉल पिन हेमर। अब देखिए ये आपके मीडियम कार्बन स्टील का बनाया जाता है, बनाने के बाद में इसको क्या करते हैं उन्हें हीट ट्रीटमेंट विधि द्वारा इसको हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है इनके फेसों को और पिन को, जिससे ये आपके घिसे नहीं और चोट मारने पे आपके ये फेस इनके खराब नहीं हो, इसलिए इनको हार्ड पहले हार्ड करेंगे ट्रीटमेंट विधि द्वारा फिर टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग करने से क्या होगा ये आपकी इसकी घिसावट कम हो जाएगी। और देखिए ये जो इसका जो फेस बना होता है इसका फेस में थोड़ी उतलता दी जाती है, ऐसे एकदम स्पाट नहीं होता, ये समतल नहीं होता, इसकी थोड़ी सी उतलता दी हुई होती है कि चोट एकदम सही लगे और ये आपके मशरूम टाइप नहीं होते, इसलिए बीच में ये आपके स्पाट दी होती है। और जो हेमर का जो बीच का भाग होता है इसको चिक भाग बोलते हैं, चिक भाग मुलायम रख जाता है फेस और पिन की वजह से ये क्या होता है मुलायम रखा जाता है। मुलायम अपने इसलिए रखते हैं, अगर मुलायम नहीं रखेंगे तो इसमें जैसे ये अपने हैंडल डालेंगे तो हैंडल डालने से ये क्या होगा आपकी ये इसमें क्रेक आ जाएगी, अगर हार्ड होगा तो क्या आ जाएगी क्रेक आ जाएगी। तो क्रेक को रोकने के लिए अपने इसको चिक भाग को क्या रखते हैं मुलायम रखते हैं। और जो हैंडल की जो इंजीनियर हेमर होगा तो उसका हैंडल होगा, हैंडल के बीच में क्या होगा ये आपके जैसे आपके ये हैंडल है, इसके बीच में आपकी वेज डलेगी, वेज अपने इसलिए डालते हैं अगर वेज नहीं डली होगी तो, और ये वी टाइप होगी आपके इस टाइप की वेज डलेगी इसमें, ये आपकी वेज का आकार इस टाइप का होगा। इस टाइप का वेज होगी, ये वेज अपने इसके आगे डाल देंगे, हाँ ये इसको वेज बोलते हैं WEDG वेज। ये पिन होगी, ये चिक और ये फेस, ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा फेस, ये हैंडल होगा। एक और बात देने वाली आपकी कि जो हेमर होगा तो हेमर के ऊपर जो मुलायम पार्ट होगा उसके ऊपर इसका वजन लिखा होगा, इसको जो स्पेसिफाइड किया जाता है, एक तो पिन के आधार पर इसको स्पेसिफाइड किया जाएगा और किससे स्पेसिफाइड किया जाएगा इसका वजन कितना है, हेमर का वजन कितना है। इसलिए देखिए इसके ऊपर ये स्टैंप किया होता है, जैसे ये इसमें लिखा 800 ग्राम का है, ये हेमर कितने ग्राम का है 800 ग्राम का है, तो ये अपने मीट्रिक पद्धति में 800 ग्राम का गया, 1 kg आ गया, तो ये आपके 125 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक वजन में आपको बाजार में उपलब्ध होंगी। लेकिन अपने जो रिवेट के रूप में जो काम में लेते हैं हेमर, जो बाल पिन हेमर काम में लेंगे वो आपके 250 ग्राम का बाल पिन हेमर काम में लिया जाता है, और ये 250 ग्राम और स्टैंप इस पे लगी हुई होगी आपकी स्टैंप, जैसे आपके 1 pound 2 pound एनिवल इन नंबरों से आपके आएंगे। और इसके हैंडल को टाइट करने के लिए इसमें जो आई होल होगा वो भी अंडाकार आकृति का होगा, गोल नहीं होगा, अगर गोल होगा तो आपके हैंडल क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा, जैसे चोट मारोगे आपकी ये हैंडल यहाँ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। और एक विशेष बात ध्यान देने वाली है इसमें कि जब अपने इसको चोट मारते हैं तो इसको कहाँ से पकड़ना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा चोट आपकी तेज लगे, तो इसको हैंडल के लास्ट के अंत तक यहाँ से पकड़ोगे तो इससे चोट क्या लगेगी आपकी ज्यादा लगेगी। तो ये अपने जो अपने इंजीनियरिंग हेमर जो काम में आते हैं वो अपने ट्रेड के अंदर इस टाइप के काम में आते हैं, जो आपको मैंने पिन के अनुसार बता दिया। थैंक्स, धन्यवाद।